इस्फहान का मुनक्कद किया गया दीवान हमारे दीवान से बहुत मुख्तलिफ है। हम मेहमान जरूर होंगे लेकिन उसके साथ ही नहीं है। अब ये जान लीजिए कि ये जगह मैदान जंग से मुख्तलिफ होगी। अब सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जंग अल्फाज की आसाब की जंग और आप सब अपने गुस्से को काबू में रखें। जिनकी सरहदें मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है और जिनका लश्कर भी बहुत बड़ा है वहां उस दीवान में याकूब साहब भी मौजूद हैं और दानिशमंद गाजी तक जिनका अजीम सिलसिला फैला हुआ है। करासी के फरजंद कलाम शाह भी उस दीवान में मौजूद होंगे और इफलानी के हाकिम जो कोताही को अपनी सरजमीन में शामिल करना चाहते हैं शानदार कबीले के सरदार शमसुद्दीन यमान भी उस दीवान में मौजूद होंगे। आप में से कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। मेरे हुजूर, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी जो काबिले बर्दाश्त ना हो हमारे लिए तो हम क्या कहें हुजूर? तुम कुछ नहीं कहोगे बोरा, उनका छोटा सा सरदार भी हमसे 5 गुना ज्यादा है अपने सिपाहियों के साथ और अपने माल के साथ उस दीवान में बैठे हुए हैं। हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वो हमसे बड़े भी हैं और हमसे बहुत ज्यादा है और ताकतवर भी बहुत है लेकिन इंशाल्लाह हम उनका भी मुकाबला कर लेंगे। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह हम फूंक कर कदम रखेंगे और वहां से निकल भी आएंगे। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ मेरे सिपाही, आ जाओ।